आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर आज मतदान हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से पोलिंग बूथ पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतार में खड़े हैं। ये तस्वीरें हैं यूपी के आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ और वहीं समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में हैं। जहां देखा जा रहा है कि आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में किस तरह सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बुजुर्ग मतदाता को जो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, वहीं लंबी लंबी कतारें सुबह से देखने को मिली। तमाम जो लोग थे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही कतारबद्ध लाइन में खड़े रहे, और ये जोश जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए काफ़ी बेहतरीन है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जयनाथ सिंह वो वहीं नफीस अहमद ने क्या कुछ कहा या वो सुनाते हैं। सत्तर पर मैंने अपना मतदान किया है और पूरे जनपद वासियों से अपील है घरों से निकल करके मतदान करें और निश्चित करें, अवश्य करें। देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, अपना मतदान जरूर करें, जरूर करें। बहुत बहुत नफीस जी वोट दे के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने आजमगढ़ की सम्मानित जनता से ये अपील करूंगा आपके माध्यम से कि ये जो पर्व है लोकतंत्र का, इसमें वो हिस्सेदारी लें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और हमें जो लग रहा है कि इस बार आजमगढ़ सदर सीट से हमारे प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी भारी बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। किस तरह की हवा बह रही है? पूरा एकदम नौजवान, किसान, पिछड़े, दलित, हर वर्ग के लोग, क्योंकि सभी ने ये महसूस कर लिया है कि अब परिवर्तन चाहिए देश के अंदर, और देश के अंदर लोकतंत्र को भी बचाना, संविधान को, नौजवानों के भविष्य को बचाना है, किसानों को उनका आज सम्मान दिलाना है, और तो और सबसे बड़ी बात जो हमारे सेना के जवान हैं उनका मनोबल भी बढ़ाना है।